नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बेगूसराय जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, बेगूसराय मंडल कारा में कैदी और पुलिस के बीच जोरदार मारपीट हुई है। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो बेगूसराय जिले से सामने आया है। शौचालय जाने को लेकर के हुई इस मारपीट में दो पुलिसकर्मी और एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आज सुबह शौचालय जाने को लेकर कैदियों के दो गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मंडल कारा में तैनात पुलिसकर्मी कैदियों को समझाने बुझाने गए तो कैदी उल्टे पुलिसकर्मी से ही भिड़ गए। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कैदियों और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट होने लगी। इस घटना में दो पुलिसकर्मी और एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान बेगूसराय मंडल कारा में काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घायल पुलिसकर्मी सहरसा के शिवपुरी ढाला निवासी ललन प्रसाद यादव के बेटे ओम प्रकाश कुमार और मधुबनी जिले के फुलपरास के रहने वाले कक्षपाल कृष्णदेव यादव के बेटे कुंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सर्वोदय नगर वार्ड संख्या 4 के रहने वाले जनार्दन सिंह के बेटे राम विक्रम सिंह भी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच मामले को किसी तरह शांत कराया और दो पुलिसकर्मी एवं एक कैदी को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। बताते चले कि इस घटना की भनक लगते ही मंडल कारा के मुख्य गेट पर बंदी से मिलने आए परिजनों के बीच भी अफरा तफरी मच गई। परिजन बंदी से मिलने के बजाय सदर अस्पताल की ओर भागे। घटना के संबंध में जेल अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि आपसी वर्चस्व को लेकर के कैदियों के दो गुटों के बीच झड़प की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्हें समझाने गए पुलिस से ही कैदी भिड़ गए। मारपीट कर रहे कैदियों ने अचानक पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।